एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसन के लड्डू। ये परफेक्ट लड्डू आप एक बार में बना सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी पैन ले सकते हैं, उसमें हम डाल देंगे एक कप के करीब घी। जितना आप बेसन ले रहे हैं उसी हिसाब से आप घी लीजिए, उसे थोड़ा सा कम चलेगा। अगर आप बराबर मात्रा में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे बेसन। घी के साथ साथ हम इसे भूनेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। स्टेज पर जो घी कम है तो एक चम्मच और ऐड कर दीजिएगा। इस पर मैंने एक चम्मच ऐड कर दिया है। इसके साथ हम बोलेंगे, ये देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे ऑफ। ये देखिए गैस हमने बंद ऑफ कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी मैं डाल रही हूँ हाफ कप के करीब। चीनी के साथ मैंने इलायची को भी पीस लिया था तो वो हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस मेरा ऑफ है इस टाइम, गर्म में ही हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए रेडी है हमारा ये बेसन। अब हम इसे हल्का सा कूल डाउन होने देंगे, ज़्यादा हम ठंडा नहीं करेंगे। इसे हल्का कूल डाउन हो जाए उसके बाद हम इसका लड्डू बनाएंगे। ये देखिए बेसन हमारा ठंडा हो चुका है थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे और अपने हाथों पे अप्लाई कर लेंगे घी को और उसके बाद हम इसका एक लड्डू बनाएंगे। ये देखिए बेसन के परफेक्ट लड्डू। ये देखिए रेडी हमारे परफेक्ट वाले बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही कम समय में बन जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे बनाने में, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अभी फेस्टिवल सीज़न है तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड हैप्पी हड़ताल का तीज।